रजत दलाल हो ना आप, पर्सनली मुझे लगा आप मैक्सटन वर्सेस एल्विश में ना व्यूज के लिए घुसे थे। तेरे को लगा भाई, तेरे को लगे, मैंने क्या करना है? मुझे लगता है आप जातिवाद फैलाते हो, आप जितना करते हो ना, 36 बिरादरी 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 नहीं, आपकी वजह से मुझे लगता है कभी कभी सोशल मीडिया पे सारी बिरादरियाँ लड़ रही है। भाई मैं एकजुटता की बात करता हूँ, बिगाड़ नहीं। नहीं 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 भाई, आपको लगता है लगता रहे, मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ लोकेशन लोकेशन खेलते हो या कोई दिमाग वाला गेम भी खेलते हो? रजत भाई आपकी गाड़ी नहीं चल रही, जो कैसे भी चलाओगे, इसमें दिमाग लगता है। ये जो मेरी कंट्रोवर्सी पे रोस्ट बना बना के तू अपने फॉलोअर बढ़ा रहा है, ऐसी ही गोटी बढ़ रही है ना। लगता है ये गेम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपकी कंट्रोवर्सीज की तरह। भाई इसमें भी चार रंग की गोटियाँ हैं, तू इतने 8-10 रंग कैसे बदले जा रहा है, होने दे। रजत भाई लेकिन मेरे को लगता है आप स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करते हो। अगर मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ भाई, तो तू भी तो उस पर व्यूज बटोर रहा है, वरना बुलाया क्यों? सवाल पूछ ले। स्टेरॉइड यूज, लफड़े, जातिवाद फैलाना, रैश ड्राइविंग, वेपन कैरी करना, ये सब सवाल पूछ ले। बेझिझक पूछ, सब जवाब देने पड़ेंगे। लफड़ा सेंट्रल स्टेशन पे इससे सही समय क्या होगा ये शो शुरू करने का, बट बाय चांस अगर आपको लग रहा है कि ये शो मैंने थगेश शो के लॉसेस कवर करने के लिए बनाया तो आप गलत हो, ये शो मैंने और लॉस में जाने के लिए बनाया। हाँ मम्मी, वही होंगे खानदानी जेवर, मुझे क्या पता। थगेश शो के टाइम तो आप बहुत बोल रहे थे कि इसकी कॉपी है उसकी कॉपी है, देखो तुम्हारे भाई ने ऐसा शो बना दिया, अब इसकी सिर्फ कॉपी बनेगी। लेकिन ना ऑनेस्टली इस शो को लेकर एक डर तो है मेरे अंदर जो मेरे को सोने नहीं देता, इस शो की वजह से IPL के व्यूज गिर जाएंगे। लेकिन आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं, वो वही पाए जाते हैं जहां लफड़ा शब्द होता है। इनको गूगल पे सर्च करने पे विकिपीडिया से पहले इन पे लगे केसेस ज्यादा थे, जिनकी ड्राइविंग रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली के ऑड इवन रूल के लिए। ये बॉडी बिल्डर तो है लेकिन इनके बेंच PR से ज्यादा इनके FIR है। जैसे होली इज इनकम्प्लीट विदाउट गुलाल, लफड़ा इज इनकम्प्लीट विदाउट मिस्टर रजत दलाल। वेलकम रजत भाई टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ लफड़ा सेंट्रल, कैसे हो? सब बढ़िया। किससे परमिशन लेके आए हो, घर से या पुलिस से? दोनों से। बट जल्दी खत्म कर लेते हैं, क्या पुलिस बीच में आ गई तो आता रह जाएगा। अच्छा ठीक है। तो ऑनेस्टली रजत भाई, मैंने आपको पहले डिस्कवर किया था वो बाबा वाले वीडियो से। ठीक है, एक बार रिविजिट कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे को पूरी याद है वैसे। अनपढ़ो? ओहो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम ना दिखाने की चीज दिखाऊं जो है या कुछ ऐसा दिखाऊं जो दिखा सकता हूँ। हनुमान चालीसा सुना दे फटाफट, नहीं साले की दही ऐसी तोड़ूंगा। हनुमान चालीसा सुना, गायत्री मंत्र सुना, आधार कार्ड का आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं। एक तो सरप्राइज ही हुआ आपको कि आधार कार्ड भी बनवा रखे। इन्होंने आधार कार्ड अपने दिखाए थे? अगर वही देखो, इनके बैग पे देखो ढंग से, ध्यान से कि श्रीराम लिखा हुआ है। इन्हें ये नहीं पता था कि श्रीराम के भाई का नाम लक्ष्मण है। किसी को ये नहीं पता, हनुमान चालीसा नहीं पता, गायत्री मंत्र नहीं पता, तो ये हिंदू कैसे हो सकते हैं ना? और उसके बावजूद आधार कार्ड कहां से आ गया? इंडिया हारा था एक दिन पहले वर्ल्ड कप फाइनल, और असल में वही सोच रहा हूँ इनका दिन कितना खराब होगा, पूरे कॉलोनी में से इनके घर पे ही गया।
मेरी मम्मी भी ना बहुत मानती है बाबा बाबा को, है ना, मतलब तो शुरू से ही किलसती है। इंसान होके आप किसी का कैलिबर, किसी का पोटेंशियल नहीं बता सकते कि तू करेगा क्या, वो इंसान को खुद को पता है। तो ये बनाने का काम है बाबा उबा, अगर ये इतने ही पढ़े लिखे हैं तो ये कहीं का मंत्री क्यों नहीं है? मेक क्यों मांग रहे हैं? सांस रोक। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, सांस रोक, नाक से सांस रोक। अरे हाथ नीचे कर, सांस रोक ना, कह रहा हूं। देखो अभी यहां से ना वेन्स आएंगी। उस टाइम मुझे बहुत बलशाली महसूस हो रहा था। ठीक है, तो ये वीडियो हमने लोगों को दिखाई मुंबई की स्ट्रीट्स में, एंड देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। आप लोग रजत दलाल को जानते हो क्या? रजत दलाल? दीपक दलाल चुने, रजत को नहीं। दीपक दलाल कौन है? हनुमान चालीसा सुना तो? क्यों नहीं पढ़ते? चीलम विलम फूटने लग रहे मेरे पे, चीलम विलम मारने। ये क्या भाई जो मार रहे, जिसका आप नाम ले रहे हो, मार रहे वही है रजत। राजत भाई ऐसे लोग को और मारो, पाखंडी बाबा लोग को, मैं इतना ही बोलूंगा इन लोग को और मारो, जहाँ मिलते उन लोग को मारो भाई। गंजीड़ी लोग फूक के ज्ञान देते, ये सब कुछ भी अंधविश्वास बातें भाई, इन लोग को मारो। इन लग रहा है ये भी ज्ञानी दे रहा है। इनको देख के लग रहा है ये मारेंगे। वो तो मेरे को गंजीड़ी लग रहे हैं भाई, कसम से। अरे लोग बाबा लोग रहते हैं, मारो इन लोग को। खुद भैंस के पिटा रहे हैं और उन्हें गारी बोल रहे हैं। मेरे को गायत्री मंत्र सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ भाई। राजा जो भी है भाई, आपको सैल्यूट भाई, उन लोग को और मारो ऐसे लोग को भाई। सही है भाई, भाई को आगे बढ़ाओ भाई। राजा भाई जो भी है, आप जो भी कर रहे हो एक नंबर, ऐसे लोग को और मारो भाई, जहाँ मिलते वहाँ पे मारो भाई। भाई ट्रेन में दिखे उन लोग को ढकल दो भाई। लड़का ही है ना अंदर। भाई तू रजत दलाल को जानता है क्या? कौन है रजत दलाल? भाई तेरे को जिम करने का जरूरत है। अरे मेरी बॉडी देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, रजत दलाल से ट्रेनिंग ले ले। भाई अरे बाप रे भाई, श्रेडेड है वो। था श्रेडेड है, अंदर श्रेडेड था वो। देख वेंस निकल रही है, श्रेडेड है। और मैं फूफू भी आता है। अरे भाई पता रजत दलाल को जानता है कि नहीं? ये वो डॉक्टर है क्या? डॉक्टर नहीं है भाई, मार पिटाई करता है वो। अरे मुझे मार पिटाई। आप मारा बहुत अच्छा किया, और क्या भाई, में चोरी करता है कहाँ अच्छा रहता है। रजत दलाल भाई को कुछ बोलोगे? बढ़िया किए, एकदम अच्छा किए रजत दलाल भाई। आपको ही देखता हूँ, दूसरों को नहीं देखता। गिनी चुनी यूट्यूबर है आपके फ्रेंड ग्रुप, उनको ही देखता हूँ सिर्फ। तो आपका वीडियो चल रहा है, रजत दलाल का वीडियो देखा है ना? कौन सा पसंद है? रजत दलाल का नहीं देखते हम लोग, आपका ही देखते हैं। बॉक्सिंग करना चाहिए उसको। ये क्या निकालना चाह रहे हो, मेरे को कोई नहीं जानता। नहीं भाई, उसने बोला बॉक्सिंग करना चाहिए रजत दलाल को। नहीं सुना आपने? सुनो, रजत को बॉक्सिंग करना चाहिए। हाँ, जैसे वो केएसआई है लोगन पॉल का, ऐसा फाइट चल रहा था, वैसा कुछ करे तो मजा आएगा। आपने सोचा है कभी? नहीं करनी मेरे को बॉक्सिंग, मेरी मर्जी। भाई रजत दलाल को जानते हो? हाँ भाई जानता हूँ, बट कंटाल गया हूँ इनसे। क्यों भाई? अरे ये लोग 15 मिनट लाइव आते हैं और पूरा पूरा दिन कुछ नहीं करते, 6-6 घंटा वेट करना पड़ता है इनके लिए। अरे तो फ्री टाइम में इंडिया का अपना गेम जूपी लूडो खेल लेना, उसमें एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही, साथ में लाखों की विनिंग्स भी जाएगी। ठीक है, बट पब्लिक के बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, बहुत सारे एलिगेशंस है। पब्लिक के हैं आपके? न्यूज है पब्लिक की, मेरी नहीं है। अगले राउंड में शरद भाई वेलकम। थैंक यू। कुछ आपके लिए न्यूज है हमारे पास, इतना बड़ा जो न्यूज स्टॉल है उसमें बहुत सारी न्यूज आई है आपके लिए। ये सेगमेंट आपको थोड़ा सा आपकी अदालत लग सकता है, लेकिन इस बार कटघरे में रजत है। पहली न्यूज है, रजत ने एल्विश वर्सेस मैक्सटन में व्यूज खींचने के लिए घुसा। फेन तो देखो मिला है, जो सीधी सीधी बात है, पर अगर मेरे को व्यूज लेने होते, फॉलोवर लेने होते, लाइमलाइट लेनी होती, थोड़ा तसल्ली से इस चीज को समझना, मैं उसमें मैक्सटन का साथ देके एल्विश के अगेंस्ट जाता। एल्विश अलग, सही में उसमें कसूर में था, विक्टिम कार्ड मैक्सटन के पास था, चीजें एल्विश के लिए अगर गलत होती, लंबी खींचती, उसमें मेरे पास ज्यादा गेन होता अगर मेरा मोटो ये होता, पर वो चीज सॉल्व हुई, बहुत पॉजिटिव नोट पे हुई, तो अच्छी चीज है ना ये। रजत दलाल स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज करता है। देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, पहले बाबा वाली हुई, तीन बाबा थे घर में, थे तीनों मेरे पे अटैक करके मेरे को मार भी सकते थे, मार सकते थे, पर बात वहां पे धर्म की थी, मैंने धर्म के लिए स्टैंड लिया, उसमें कहां से स्क्रिप्टेड हुआ। उसके बाद चार इन्फ्लुएंसर थे बहुत बड़ी मेल लोगों के साथ, उन्होंने कान पर रखे, पब्लिक ये सॉरी मान ली, हाथ जोड़ी। एक मेन होने के बाद आ झुक नहीं सकते। उसके बाद एक स्कैमर भाई था जो पब्लिक से पैसे लूट रहा था, उसके साथ सीन बना था। एल्विश और मैक्सन वाली तो बिल्कुल नॉर्मल थी, कि वो पॉजिटिव नोट पे खत्म हुई। आखिरी जो अभी रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी थी उसमें अगर किसी को लग रहा होगा कि सांबे की साइड से प्रेशर था या मेरी साइड से प्रेशर था, उसमें प्रेशर किसी की साइड से नहीं था, वो प्रशासन की वजह से ही खत्म हुई। तो इसमें स्क्रिप्ट कहाँ से आ गई? मैं चौकी में बैठा हूँ,
पुलिस आके उठा उठा के लेके जा रही है, उस क्लिप कहाँ से? मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, न्यूज है, होती रहती है, न्यूज कहीं भी छप जाती है। रफ दलाल का कॉन्ट्रोवर्सीज में हाथ नहीं उठता, एंड में सॉल्व हो जाती है। सोशल मीडिया की चीज सोशल मीडिया पे शुरू हुई और सोशल मीडिया पे खत्म। लोकेशन बहुत बार बहुत सारे लोगों को दिए कि आ जाओ, खुदा नहीं पता तुम मैं क्या करो। रजत इंजरीज का बहाना मारता है। अगर मैं आपका लेट्स से नाखून उतारो तो वो उंगली भी ना एंगेजमेंट नहीं देगी। कुछ कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। अगर आप बीमार हो तो आपको दवाई सही नहीं कर रही, सही आपकी बॉडी ही कर रही है। वो फिलहाल सर दर्द कम कर रही है, इन्फ्लेमेशन कम कर रही है, बोले यहाँ दाना में। अगर चोट का देखा जाए ना, ऊपर से नीचे स्टार्क करूँ, मेरा लेफ्ट लिगामेंट एंकल का वो टियर हो गया था, मेनिस्कस मेरा टियर हुआ जो 14 महीने में जाके सही हुआ था, ऐसा ही जोरिंग मेरा 2 बार जा चुका है, लेग मेरा टियर हो चुका, पैक मेरा टियर हो चुका, एल्बो मेरी डिसलोकेट हो चुकी है। इसके बावजूद भी मैं चौड़े में हूँ, इसके बावजूद 2 साल पहले मैं इंडिया में नंबर 1 था। ऊपर वाले के कर्म से एक बार यहाँ सही होने दो, वापस वहीं आ जाऊंगा। मैं क्या हूँ मुझे पता है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करेंगे नहीं। देखो आप कॉन्ट्रोवर्सी कितनी भी हो, हम यूट्यूबर्स एंड मीमर्स ने हर हफ्ते रजत भाई के नए लफड़े आते रहे ऐसी petition.org डाली है, और ऑडियंस ने भी। मैं बोलता हूँ भाई एंटरटेनमेंट की इतनी कमी है तो Zoopy ऐप डाउनलोड करो ना, Zoopy.com से। यहाँ 24/7 टूर्नामेंट चलते हैं, इंस्टेंट कैश विड्रॉवल है थ्रू UPI, एंड ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। एंड इसकी मस्त बात पता है क्या है, जो भी आपका अमाउंट GST एंड TDS में कटता है ना, वो आपको कैशबैक के थ्रू वापस मिल जाता है। सो हरी अप। रब दलाल को जिंदगी से प्यार नहीं है, 150-150 की स्पीड में गाड़ी भगाते हैं। एक गाड़ी की लिमिट है 200-250, चलाने के बनी है ना। अगर रोड पे 80 की लिमिट कहीं लगा दी, किसी इंसान ने लगाई है ना, ऊपर वाले ने नहीं लगाई। अगर 150 पे मेरा कंट्रोल, मेरा फोकस वो है जो एक नॉर्मल आदमी का 80 की स्पीड पे होगा, तो इसमें मेरे लिए एडवांटेज है ना, वो ऊपर वाले की मेरे पे एक ब्लेसिंग है। या मैंने अपने मेंटल एस्पेक्ट पे उतना काम करा है, अपने रिफ्लेक्स पे, कि मैं इतनी जल्दी डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ कहाँ से काटनी है कहाँ रोकनी है। ये चीज़ गलत है एक सेंस में, मुझे पता है, पर मैं हर चीज़ सही करने के लिए नहीं बैठा, मैं इंसान हूँ। मेरा मन जो कहेगा मैं वो चीज़ करूँगा, भाई गाड़ी ऐसे ही चलेगी जब तक मेरा ठोकम ठुकाई नहीं होती और मैं सो जाऊँ। ठीक है, इसी से अगला क्वेश्चन है, रजत दलाल को एंगर इश्यूज है या फिर स्प्लिट पर्सनैलिटी है? हर बारी हर इंसान ना, सिचुएशन कंडीशन टाइम और अपोजिशन में क्या चीज़ है उसके बेसिस पर रिस्पॉन्स करता है। अगर मेरे को कहीं लग रहा है कि मैं डोमिनेट करूंगा, डोमिनेट करके ही सॉल्यूशन निकलेगा, तो आवाज़ भी लाउड होगी, मेरे एक्शंस भी लाउड होंगे, और हो सकता है मैं एग्रेसिव भी हो जाऊं। पर अगर प्यार से काम निकल रहा है तो प्यार से करूंगा ना, बिना बात में गुस्सा करूं, कोई मैं मेंटली डिस्टर्ब तो हूं नहीं। रब दलाल पुलिस प्रशासन की इज्जत नहीं करता है, डरता नहीं है? देखो डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं, पर इज्जत है। डरना खाली ऊपर वाले से, उसके अलावा किसी से नहीं है। वो जो वर्दी है ना, उसकी इज्जत है, उसके अंदर के इंसान की नहीं है। प्रशासन ही है जिसके दम पे आखिरी वाली कंट्रोवर्सी खत्म हुई। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये या वो, मेरे या सामने वाली साइड से चीजें खराब हो सकती थी, किसी भी साइड से, मैं नहीं कह रहा मेरी साइड से, और बहुत हद तक हो सकती थी। प्रशासन के हाथ में पावर है और उसके आगे ना सिर झुकाना पड़ता है अगर देश में रहना है हिसाब से बिना जेल के। हमने भी झुका दिया तो भाई इज्जत है तभी झुका दिया ना। डर नहीं है, अगर किसी को लग रहा है ना डर नहीं है, वो एक समझदारी है। अगर वहां भी तुम अकड़ दिखाओगे ना प्रशासन के आगे, तो तुम्हें औंधा करके क्या क्या किया जा सकता है ना, वो मैंने होते हुए देखा है सामने। तो इसलिए भाई दूर से हाथ जोड़ो और इनसे दूर रहो। ये वाला ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, कोई दिक्कत पूछोगे नहीं? बेझिझक पूछो। रजत दलाल जातिवाद को उकसाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, न्यूज़ ट्रिकी हो सकता है, एक्सप्लेन कर दो। सोशल मीडिया पे 8-9 साल से हूँ, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, कहीं भी एक शब्द, एक खतन, एक लाइन किसी भी जाति के खिलाफ दिखा दो तो मैं मान जाऊं। मैंने आज तक कभी किसी जाति के लिए कुछ गलत नहीं बोला, किसी धर्म के लिए कुछ गलत नहीं बोला। वो मुंह से निकला इसलिए नहीं है क्योंकि दिमाग और दिल में नहीं है। मुंह से निकलेगी वही चीज ना जो दिल में या दिमाग में बैठी पड़ी हो, पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये भी नहीं कहना कि गलती हुई, पॉसिबल ही नहीं है। पर मैं जाट हूं, मेरे को जाट होने पे गर्व है, और बहुत चौड़ से बोलता हूँ मैं जाट हूँ और बोलूंगा, ना कोई मेरे को इसमें रोकने वाला, और किसी के बस की हो तो रोके। आप मराठी हो ना? गुजराती। गुजराती, गुजराती होने पे फक्र होगा ना, तो रखो भाई अपने पास। अगर जब तक आप मेरे को कुछ उल्टा नहीं बोल रहे, मेरा अनादर नहीं कर रहे, मेरे को क्या दिक्कत? आप मेरे साथ अच्छे से तो मैं अच्छे से। जय जाट, जय जाट, जय जाट, जय गुजराती, जय गुजराती। रजत दलाल
अपने उसूल ब्रांड्स के लिए बेच देता है। पहली बात तो मैंने कहीं पर दिखाया नहीं कि मेरे ये उसूल है, कोई रिटर्न पेपर पर मैंने कहीं साइन नहीं कर रखा है ना मोर मार के। मैं 100 रुपए मान लो कमा रहा हूँ, मेरा खर्चा 80, 90, 100, 120 कुछ भी हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को मेरी ट्रेनिंग भी देखनी है, जानवरों का भी देखना है, आने वाला एक परिवार होगा उसका भी देखना है, सेविंग्स भी करनी है, 36 शौक भी होते हैं सबके अपने, गाड़ी घोड़े 36 कुछ भी है, और 2 नंबर का धंधा तो कोई मेरा है नहीं कि मैं भाई ड्रग्स सप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ कमा रहा हूँ तो उससे मैं लिमिटेड काम ही कर सकता हूँ, पर मेरे को मेरे पार्ट पे कुछ ऐसा करना है जो बहुत बड़े स्केल पे इम्पैक्ट करे पूरे समाज को और एक बहुत पॉजिटिव सेंस में, तो मेरे को ऊपर से पैसा चाहिए। उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता प्लीज़ सपोर्ट मी, यहाँ पे पैसे डाल दो, मेरे पे पैसे भेज दो, मेरे पे पैसे नहीं है। उसके लिए ऊपर का पैसा चाहिए, उसी के लिए मैंने स्पॉन्सरशिप्स ली। आज से पहले कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली थी, सबसे पहले मैंने बिग मसल की थी। बिग मसल की लेने का भी रीज़न यही था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिसगाइड करा हुआ है। देखो नेगेटिव पीआर सोशल मीडिया पे कैसे ही करा दो, मेरे जिम के मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट दूर उनका पूरा प्रोडक्शन है सारा, सारा मैंने देखा है सामने से। देखो कमा हर कोई रहा है, मारपीट में अगर कोई ये पैसे कमाने के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं, पर कमाना और लूटने में बहुत फर्क होता है। अगर किसी के साथ मेरे विचार मिलते हैं, टेबल पर बैठ के बात होती है कि हाँ भाई चीज़ें किस हिसाब से और आने वाले टाइम में कितनी इंप्रूव हो सकती है, इसलिए मैंने उनके साथ हाथ जोड़े, वरना हाथ तो मैं किसी के साथ भी जोड़ लूंगा। अच्छा अगली वाली से तो मैं भी अग्री करता हूँ, रजत दलाल अपनी एज का नहीं लगता। अब भाई थोड़ा आप चुटी पाई जैसे हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसका आंसर ये हो सकता है कि देखो 12th क्लास के बाद थोड़ा ये था ना कि कॉलेज वॉलेज में जाना है, बॉडी वॉडी बनानी है, तो उस टाइम संगत जिस हिसाब से थी, जो सराउंडिंग थी, पीढ़ी इसका ना मैंने स्टार्टिंग से बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, तो उसकी वजह से ना फेस पे थोड़ी, बॉडी पे थोड़ी मेच्योरिटी आ गई। मेरे को क्या किसी भी प्रोफेशनल को उठाओ बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में, वो एज से ज़्यादा बड़े ही दिखेंगे। फिलहाल मैं 1.5-2 साल से यूज़ नहीं कर रहा जब से हाथ का सीन हुआ है। कंपटिटिव होऊंगा तो मैं वापस से पीडी शुरू करूंगा, मैं हैशटैग नेचुरल नहीं लिखने वाला। अगर आप कंपटिटिव हो तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, अगर जीतना है, खेलना है तो कैसे भी कर लो। और अगर कोई बोलता है ना तो मैं बिना यूज़ करे जीत जाऊंगा, तो या तो झूठिया झूठ बोल रहा है या वो ना रहा है, सिंपल इतनी चीज़ है। ये वाला फनी है बट न्यूज़ है, रजत दलाल हंसता नहीं। इतनी देर से हंस तो रहा हूँ, हंसता नहीं, खुल के नहीं हंसता है। मेरी मर्जी नहीं हंसना है, जोक मारो हिसाब से। जोक मारूंगा अगले राउंड में। रजत दलाल कैरी करता है, दो उंगली है मेरे पास, येरी कैरी करता हूँ। ये भी आपने देखी है कभी? नहीं भाई। तो फिर कैसे कैसे? आप एलिगेशन लगा रहे हो ना, कभी आओ फरीदाबाद बैठते साथ घूमते, तब का तब देखेंगे। कहीं दिख रही है मेरे पास? फ्लाइट में भी कुछ नहीं पकड़ा है। ये तो है मेरे पास, ये रही दो उंगली और ये अंगूठा। रजत दलाल सोसाइटी के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान करने वाला आदमी है। भाई देखो मैं हूं या कोई भी इंसान हो, वो नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज खराब हो या उसके पार्ट पे कुछ ऐसा आ जाए जो सामाजिक रूप से गलत हो। कैमरा कहां पे, ये वाला है, वो वाला है? भाई देखो आज से पहले मेरे पार्ट पे अगर कभी भी कोई भी चीज गलत हुई है, चाहे किसी समाज के लिए हो, समुदाय के लिए हो, जाति के लिए हो, तो भाई ये दोनों हाथ जोड़ के माफी है। कोशिश मेरे पार्ट पे यही रहेगी कि आने वाले टाइम में मेरे पार्ट पे कुछ गलत ना हो, समाज में मेरी वजह से कुछ भी गलत सेंस ना जाए, जो भी कोई छोटे बच्चे वो मुझसे कुछ अच्छा ही ले पाए, मैं लोगों की क्वालिटी ऐड ही कर पाऊँ लाइफ में। बाकी समय के साथ चीजें दिखेंगी। देखो अर्ली तो ज्यादा बोलने की आदत है नहीं, तो भाई हाथ जोड़ के माफी है अगर किसी को बुरा लगा। ठीक है, आई थिंक बहुत क्लियरली बता दिया आपने सब कुछ, बट जो हंसाने वाली बात थी वो मैं अगले राउंड में देखता हूँ। वेलकम रजत भाई टू द फिनाले राउंड ऑफ लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 1। ये नहीं करना है कॉम्बो। ये कौन सा कॉम्बो है? मेरी मर्जी, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मैंने बोला आपको हंसा के दिखाऊंगा, ऑलरेडी हंसा दिया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, रोस्ट बैटल होगा, आप मुझे रोस्ट करोगे, मैं आपको रोस्ट करूंगा। कैच ये है कि जिसकी भी हंसी फूटी, ठीक है, उसको पड़ेगा एक मुक्का। ठीक है, ठीक है, दांत नहीं दिखने चाहिए, हंसना नहीं है बस, आवाज दांत हंसना नहीं है। ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हो, हंसना नहीं। ठीक है, ठीक है, शुरुआत मैं करूं? सो मिस्टर रजत, आप में और मेरे में एक चीज तो कॉमन है, हम दोनों का थाने आना जाना रहता है। ठीक है,
आपकी बात। इतने सारे कैमरा लगा रखे, इतनी लाइट, इतना खर्चा, खाली एक फ्रंट कैमरा के लाइव से 13 से ज्यादा व्यूज आते हैं। भाई हसीन यार, ये दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, गुड गोइंग गुड गोइंग। अभी तक खाया नहीं है मैंने, मुंह पे अलाउड नहीं है। मारा थोड़ी है, हवा में तो मैं कहीं भी चला सकता हूँ। ये उधर का लफड़ा नहीं हो रहा आपके, लफड़ा सेंट्रल अलग होता है, इधर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, स्ट्रीट लफड़ा नहीं है। रजत भाई, आपने शो पे ओपनली बोला कि पास्ट में आपने स्टेरॉयड यूज किया है, इससे मैं देख सकता हूँ आपकी बॉडी तो अच्छी बढ़ी है, लेकिन लगता है काश दिमाग के लिए भी कोई स्टेरॉयड होता। नहीं है क्या? हाँ, आपकी बारी। तो थगेश, तूने लॉ करा था ना? हाँ। क्यों, तेरे को पता था क्या तेरे को घूम फिर के मेरे पास आना है? मारो, थोड़ा आराम से मारना भाई, मेरा भी बारी बाकी है। आराम से कैसे मारते हैं? ठीक है। ओ भाई, आराम से मारने का, इतना जोर का नहीं, ये आराम से ही था। आपकी इंजरी मेरी भी एक इंजरी ऐड हो जाएगी आज। आपकी बारी। रजत भाई, आप अच्छे काम भी करते हो, मैंने देखा रिसेंटली आप सोशल मीडिया लाइव पे बच्चों को पढ़ाते हो फ्री में, अच्छी बात है, इसी बहाने आपकी ऑडियंस पढ़ी लिखी हो जाएगी। भाई वैसे ही बोलते, गर्म करके ठंडा छोड़ देते, अब तू के बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है, ऑडियंस के बारे में गलत। ठीक, मजाक मस्ती अपनी जगह, ठीक है, फिर भी अनएम्प्लॉयड तो रहेगी। दोबारा की आपकी बात। तेरे दोनों जितने ट्रैप्स है ना, पहली बात तो है ही, और तेरी तसल्ली के लिए रख देते, इतना अकेला ना पूरा राइट वाला। ऐसा क्या करते हो? अरे यार, आपकी बारी। रजत भाई, आप 2016 से वर्कआउट की टिप्स दे रहे हो, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज, लेकिन फेम आपको लफड़े करके मिला। लगता है वर्कआउट डिडंट वर्क आउट फॉर यू। आ रही है, आ रही है। जाने से पहले एक बार पीटूंगा आपको, रुक। तेरे को पता है हम दोनों का ना शौक एक जैसा है, मेरे को लोकेशन चेंज करने का और तेरे को प्रोफेशन चेंज करने का। ठीक है, रहो एक लोकेशन पे। रजत भाई, आपको देख के लगता है अंबानी ने एक चीज तो बहुत अच्छी की, जियो निकाल के लफड़े भी ऑनलाइन होने लगे। होंठ कांप रहे, दिख रहे मुझे। ओके, नेक्स्ट। पहली बार किसी को ना पटरी की जगह ना प्लेटफॉर्म पे रखते देख रहा हूं। आ रहा है भाई, आ रहा है। आया नहीं। हंस दिया, हंस दिया। मैं तो लगा रहा हूं ना भाई, वो भी होता है मारने। मैं नहीं मार रहा भाई इस व्यक्ति को। ये क्या, ये दिखाने का या लगाने का? चलो माफ कर दिया, ठीक है, मेहरबानी। बात भी ऐसे रखा है। अरे भाई, आपके कांड देख के लगता है ओ, मुझे कुछ और लगने वाला था। ये हंसी काउंट होता है? ये हंसी काउंट होता है? ठीक है। रजत भाई, आपके लफड़े, आपके कांड देखकर लगता है कि आप लंबे अंदर जाने वाले हो, बिग बॉस के घर में।
ये करके ना कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये जो स्पॉन्सरशिप तू लेता है, हर फेरे के बाद अलग स्पॉन्सर आएगा क्या, या एक ही स्पॉन्सर सबको स्पॉन्सर करेगा? शादी के लिए अलग, सुहागरात के लिए अलग, हनीमून के लिए अलग। पता, मेरी तो शादी में टाइटल स्पॉन्सर होगा। गर्मी लग रही है, और नॉर्मल आदमी जब जिम में जाता है बेल्ट लेके जाता है, प्रोटीन लेके जाता है। रजत जब जिम में आता है बंदे लेके जाता है। वेरी गुड रजत भाई, फर्स्ट टाइमर लेकिन मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पहले एपिसोड में लफड़ा सेंट्रल के लिए। कैसा लगा आपको बताओ जरा? मेरा तो खैर पहली बार ही था, एक्शन लाइफ में बहुत है, लाइट और कैमरा पहली बार ही आए, क्या तो कुल मिला के मजा आया। बट फेवरेट सेगमेंट कौन सा था आपका? क्वेश्चन आंसर वाला, क्वेश्चन आंसर। फटाफट गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। आज के लिए तो एंटरटेनमेंट खत्म हो रहा है, लेकिन आपके 24/7 एंटरटेनमेंट के लिए डाउनलोड करो जूपी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खेलो एंड लाखों पैसे जीत सकते हो, एंड मेरा कोड यूज करना थगेश15, जिससे आपको मिलेगा ₹15 इंस्टेंट साइन अप बोनस। ऑल्सो कमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है वीडियो का, एंड चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू गेस्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट। शेरा न रखना शिकार न सिखाव तू, मंगल खा पुठी में भी केस भुगता।